हमेशा सावधान रहे, गुरु के सिद्धांत को उपदेश को मस्तिष्क में रखे रहे, वो हथियार अपने संसार में बर्त करें और शाम को नोट करें आज हमने गुरु के आदेश से के खिलाफ क्या किया। एक बार ये क्रोध किया, एक बार ये लोभ किया, एक बार ये 420 की, फिर हम कृपा कैसे प्राप्त करेंगे उनकी। वो तो कहते हैं निष्कपट शरणागत होना चाहिए और 100% शरणागत होना चाहिए। अच्छा, कल नहीं होने देंगे। सोते समय 2 मिनट सोचा आज हमने क्या क्या अपराध किए और क्यों किए। दूसरे दिन तो और कम हो गया अपराध, तीसरे दिन और कम हो गया, बस तो खत्म हो गया। कोई भी योग्यता अभ्यास से आती है संसार में। जब बैठना सीखा आप लोगों ने, खड़ा होना सीखा था, कितने बार गिरे थे अब याद नहीं है। हजारों बार गिरे, चोट लगी, रोए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, फिर खड़े हुए, फिर चलना सीखे तो चलने लगे। और अगर नर्वस हो जाते अपन तो घुटने के बल चलेंगे, बाज आए खड़े होने से यानी वो अबोध बालक भी इतनी नॉलेज रखता है। और जब सेंस हो गया और गुरु का ज्ञान मिल गया, शास्त्र वेद की नॉलेज हो गई भगवत कृपा से, सबसे बड़ी कृपा यही है कि हमको पता चल जाए करना क्या है, हम हैं कौन, हम आए किस लिए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। अरे संसार की संपत्ति का तो ये बता रहे हैं वेद कि प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चुका है हजारों बार। इंद्र ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको संसार में भेजा था, वो मेरा संसार है। एक तो मैंने इतनी कृपा की, तुम मां के पेट में टंगे थे उल्टे, हमने पालन पोषण किया तुम्हारा। फिर तुम पैदा हुए तो दांत नहीं था, हमने मां के हस्तल में दूध बना दिया। तो उसके बाद हमने संसार में तमाम खाद्य पदार्थ बना दिए, तो तुम्हारा काम चले आराम से, और तुम उसी में रह गए, हम ही को भूल गए। एक रबिया थी, मुसलमान फकीर संत, वो एक लकड़ी में उसने आग जलाया ऐसे और पकड़ के और बाजार में भाभी, जला दो जला दो, काबे को जला दो। अब सारे मुसलमान तो काबे के उपासक हैं, हज करने जाते हैं, उस पत्थर की परिक्रमा करते हैं, उसको गॉड मान भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं, और ये कह रहे जला दो, पागल हो गई है, इतनी बड़ी संत है सूफी। लोगों ने पूछा भाई क्या बात है, क्या बोल रही है, काबे को जला दो क्यों। कई लोग मकान के पीछे मकान मालिक को भूले जा रहे हैं, मकान के पीछे मकान मालिक को भूले जा रहे हैं। ये शरीर मकान है, ये भगवान ने दिया है तुमको मनुष्य का शरीर, कि मुझको प्राप्त करो, तो शरीर ही में रह गए, हम ही को भूल गए। हर समय जागरूक रहना चाहिए, जैसे कपड़ा पहनते हो तुम लोग, शरीर की इतनी फिक्र है, कपड़ा टेढ़ा हो गया, टाई टेढ़ी हो गई, साड़ी जरा सी नीचे आ गई, दिन भर ये क्या करते हो तुम लोग, यानी ये गंदे शरीर की तो इतनी फिक्र है तुमको और आत्मा में गड़बड़ हो रही है उसकी फिक्र ही नहीं कुछ। लोग कहते हैं महाराज जी भूल जाता है, महाराज जी याद नहीं रहता, वो ज्ञान आपका दिया हुआ भूल जाता है, वो चिंतन भूल जाता है। हम पूछते हैं कि कोई लड़का कोई लड़की नंगा होकर सड़क पर घूमा कभी, क्यों नहीं घूमा,
ये क्यों नहीं भूल गया? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है, लोग पागल कहेंगे, ये महत्व है उसका। अरे पागल तो तुम हो ही, लोग कहे चाहे न कहे। जो शरीर का उपासक है आत्मा को भूल गया, वो पागल नहीं तो क्या है, फुल मैन। लेकिन हम जिस चीज की इंपॉर्टेंस महसूस करते हैं उसको कर लेते हैं। किसी के गुरु ने उपदेश दिया, देखो भाई ये हलवा पूरी और तमाम पकौड़ी और मक्काली जो तुम खाने की चाट की बीमारी लगाए हो उसको बंद करो। मन भी खराब होता है, शरीर में बीमारियां भी होती हैं, वाय खाना खाया करो। वाय खाना कैसे महाराज जी? अरे तरकारी वगैरह खाना वगैरह उबाल लो, खा लो, उसको छोक के बघाड़ के बर्बाद करके जो खाते हो। तो कहता है महाराज जी हम गृहस्थी आदमी है, योगी नहीं है, हमसे नहीं खाया जाएगा। आप साग सब्जी सब बिना नमक के खाते रहते हैं, ये हमारे बस का नहीं है। हार्ट में तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा एक बल्ब खराब गया तुम्हारा, अगर जिंदा रहना है तो बॉयल खाना खाओ, तेल भी सब बंद। अच्छा डॉक्टर साहब बिल्कुल बॉयल खाएंगे। योगी अब तुम योगी बन गए? अभी अभी गुरु जी के पास आज से आए थे तो तुमने ये जवाब दिया था गुरु जी को कि हम योगी नहीं है, हम गृहस्थी लोग हैं, बड़ा बिना मसालेदार सामान के हम कैसे खा सकते हैं। अब जो डॉक्टर ने कह दिया और तुमने ये सोचा कि शरीर ही नहीं रहेगा तो तुमको केयर हुई, भाई अब शरीर तो रख नहीं है, हमको मरना नहीं है, लिहाजा जो डॉक्टर कहेगा सब मानेंगे। योगी हो गया वो, केवल सोचने पर डिपेंड करता है। सब लोग ऐसे बोला करते हैं, मैं ऐसा रंगी साड़ी नहीं पहन सकती, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, क्या बकवास करता है, नंगा आया नंगा जाएगा, ये नहीं कर सकते। यही तो सब बीमारी तुमने बोल लिया संसार में आकर, जिसके पहले तब साड़ी पहनती आई थी वहां से माँ के पेट से। अपने आप अपने मन को बिगाड़ता है और फिर दुखी होता है और फिर कहता है भगवान कृपा करो, गुरु जी कृपा करो। ओखली में सिर दे, चोट लगे तो कहा हा राम मर गए। अरे क्यों ओखली की सिर में सिर देने जा रहे हो, आप बाहर खड़े रहो। हाँ इतना जरूर है, जिसको कोई सही महापुरुष नहीं मिला और बेचारा कुछ जानते ही नहीं है, तो यद्यपि कोई रियायत नहीं होगी भगवान के यहां उसके लिए, जैसे दुनियावी गवर्नमेंट के कानून नहीं पढ़ा है कोई, अरे कई आदमी जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो दंड देगी। साहब हमको कानून ही नहीं मालूम आपका, अरे तो मालूम होना चाहिए तुमको, हमारी गवर्नमेंट में हमारे देश में तुम रहते हो। एक नियम है, हम अपना स्वार्थ जिसके प्रति अधिक रियलाइज करते हैं उससे हमारी ममता हो जाती है। हम अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए माँ बाप बेटा स्त्री पति संसार के सामान इसमें सुख मानते हैं, इसलिए उसमें ममता हो जाती है। अगर हम अपने असली रूप को समझ लें कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, और आत्मा का स्वार्थ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस दिव्यानंद
वो परमात्मा से ही हल होगा। इस बात को बार बार इसका रिवीजन हो। दोस्ती या दुश्मनी बार बार चिंतन से दृढ़ होती है, नेचुरल नियम है। जितना अधिक चिंतन करोगे उतने अटैचमेंट होगा। भागवत में एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है, विषयान ध्यायता पुरुषो विषयेषु विसज्यते मां मनुस्मरतश्चित्तम ये व प्रभिलियते। अरे मनुष्यों, तुमको हमने इतना ज्ञान दिया है, उसका उपयोग करो, अपने को आत्मा समझो। बोलते तो हो मेरा शरीर, लेकिन मानते हो अपने को शरीर। जब मेरा शरीर बोलते हो, इसका मतलब मैं कोई और है। किसी के मर जाने पर बोलते हो आज वो चला गया और शरीर लेटा है उसका। अपने आप को समझो, और जब अपने आप को समझ लोगे तो फिर संसार से डिटैचमेंट हो जाएगा अपने आप, नेचुरल। एक लड़की जब तक ब्याह नहीं होता बाप के घर को अपना घर समझती है, और हर सामान में उसका अटैचमेंट है बाप के घर में। शादी होते ही, पति के घर जाते ही उसकी बुद्धि में आता है ये मेरा घर है, ये मेरा सामान है, ये मेरा बैंक बैलेंस है। घर से अबाउट टर्न, अगर हम अपने को आत्मा मान लें तो फिर आत्मा का जो माँ बाप बेटा जो कुछ नाता है भगवान से ही है, ये बात मस्तिष्क में बैठ जाए, फिर बार बार रिवीजन के द्वारा दृढ़ हो जाए। तो चिंतन का रिवीजन, कई धारावद विच्छिन्न चिंतन, यही एक औषधि है सब रोगों की। हमारा चिंतन बहुत वीक है और बहुत कम लिमिट का है, टाइम भी बहुत कम देते हैं उसमें हम। इसलिए प्यार होने में, बढ़ने में रुकावट आती है। देखा देखी सब संसार के लोग भाग रहे हैं मटेरियल जगत में, हम भी भाग पड़े। देखा देखी सोचने का अवसर नहीं। जाते कछु निज स्वार्थ हुई तापर ममता करे सब कोई। एक अकाट्य नियम है, जहां जितना अधिक स्वार्थ सिद्ध होने की आशा रहती है, विश्वास रहता है, वहां उतनी मात्रा का प्यार हो जाता है। अभ्यास भी नहीं करना वहां, केवल समझने की बात। किसी को अंगूठी मिल गई पड़ी, किसी से पूछा भाई कितने का होगा, कॉमन पत्थर है 1600 रुपए का होगा। अब वो अंगूठी को यहां भी छोड़ देता है, वहां भी छोड़ देता है, बाथरूम में छोड़ देता है, 1600 रुपए की तो है, चल जाए चल जाए। किसी जोहरी ने कहा 1 करोड़ की है, हाँ 1 करोड़ की है। अब उसको देखने में भी सुख मिल रहा है, उसकी हिफाजत भी कर रहा है, और हमेशा अपने को करोड़पति रियलाइज कर रहा है। अंगूठी वही है। तो उसी प्रकार हम जिस चीज की इंपॉर्टेंस मस्तिष्क में रियलाइज करते हैं, उसी में हमारा अटैचमेंट हो जाता है। स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म।
माँ हो, बाप हो, बेटा हो, स्त्री हो, पति हो, कोई भी हो, स्वार्थ कम प्यार कम, स्वार्थ खत्म प्यार खत्म। तो अगर अपना स्वार्थ हम श्यामा श्याम के प्रति महसूस करें और लगातार करें और 100% करें तो फिर कोई देर नहीं। असल में बुद्धि में ये डिसीजन बड़ा पक्का जम गया है, संसार में सुख है, अगर ऐसा बाप होता मेरा, ऐसी माँ होती, ऐसी दीदी होती, ऐसा पति होता, ऐसा वैभव होता तो सुख मिल जाता। ये जो डाउट है उसके दिमाग में, ये इसलिए है कि अपने को शरीर मानता है, वरना एक सेकंड में खत्म। मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा किसे कहते हैं? दिव्य पर्सनैलिटी, भगवान का अंश, वो मटीरियल नहीं, सीधी सी बात। और शरीर मटीरियल, माइक प्राकृत पंच महाभूत का, और संसार पंच महाभूत का। तो शरीर का सब्जेक्ट संसार, आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा। सुख कौन चाहता है? आत्मा। तो आत्मा का सुख मटीरियल तो हो नहीं सकता। जब आंख का सब्जेक्ट शब्द नहीं हो सकता, कान का सब्जेक्ट रूप नहीं हो सकता, तो फिर आत्मा का सब्जेक्ट संसार में कैसे हल होगा, कैसे मिलेगा? ये सोचा कैसे तुमने? फिर तुमने अनुभव किया? हाँ, मां को 1000 बार चिपकाया, रसगुल्ला 1000 बार खाया, तृप्ति हुई? कुछ परसेंट भी हुई क्या? जी नहीं, रोज वही बीमारी, रोज वही बीमारी। तो फिर ये क्या है? सोचा? टाइम नहीं। अगर सीरियसली सोचा होता तो किसी महापुरुष के पास जाते ही समझते कि भाई ये क्या बीमारी है। एक समय तो ऐसा होता है कि माँ बाप बेटा बहुत अच्छे लगते हैं, एक समय उनको देखने की इच्छा नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? अगर कोई चीज अच्छी है तो हमेशा अच्छी लगनी चाहिए। लेकिन प्यास लगी है तो पानी अच्छा लग रहा है, एक गिलास पानी पी लिया, हमने पी लिया, अरे पी लो ना, ठंडा पानी है कूलर का, अरे आपका पी लिया हो गया। तो ये क्या है? पानी से प्यास हो रही है? वो तो प्यास लगी थी इसलिए पानी अच्छा लगा। अगर प्यास न लगे तो पानी की कोई प्रियता नहीं। तो अगर हमारे मन का अटैचमेंट संसार में हम न करें तो वो रहे तो ठीक, जाए तो ठीक, हमें कोई न उसकी फीलिंग होगी न कुछ होगा। पड़ोसी के लड़का पैदा होता है, सब खुशी मना रहे हैं, उसकी माँ बाप, हम भी देख सुनते हैं दूर से, बाजा बज रहा है, क्या है वे लड़का हुआ है? अच्छा, हमारे ऊपर कोई सब नहीं। ये ममता, ये स्वार्थ बार बार रियलाइज करना होगा। बस चिंतन में सारी शक्ति, महापुरुष बन जाए, मनुष्य बन जाए, राक्षस बन जाए, सब चिंतन। कितने पागल हमारे देश में है, विदेशों में है, क्यों? चिंतन से। कितनी आत्महत्याएं कर लेते हैं लोग, क्यों? चिंतन से। खराब संग मिला किसी को, या क्या है, तुम धंधा रोजगार करते हो, दिन भर मरते हो, 100 रुपया भी नहीं मिलता तुमको, डाका डालो हमारे साथ, एक दिन में लग तक। अब उसने सोचा है तो बड़ा अच्छा, एक दिन में लगती हो जाएगी। फिर आया वो, फिर उसने चिंतन करवाया, फिर आया और डाकू बन गए। ऐसे ही किसी महापुरुष के संग के बार बार मिलने पर वो जल्दी हमारी कामना, हमारी प्रेम की भावना बढ़ती और अपने आप धीरे धीरे बढ़ती। होशियार रहे तो
सत्संग से जल्दी बढ़ता है। अब सारे संसार में कुसंग सब जगह भरा पड़ा, तो बेचारा एक आदमी कितना कुसंग झेले, कैसे जिंदा रहे। जहां जाए वही 420, हर जगह लोग दांव पेट लगाए, ये आदमी जा रहा है, इससे मतलब निकालना है, इसको बेवकूफ बनाना है, उसको सब थके हुए हैं एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए। पता नहीं कैसे मनुष्य जिंदा है इतने दुखों को सहते हुए।